हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बालक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई सबका झकास चल रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ना है चुंबक की निरक्षीय स्थिति पढ़ना है। निरक्षीय स्थिति में दो व्यंजकें होती हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के व्यंजक होता है और एक चुंबकीय विभव का होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग की निरक्षीय स्थिति की परिभाषा जानना है, उसके बाद ही हम लोग दोनों व्यंजक पढ़ेंगे। चुंबक की निरक्षीय स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चुंबक बनाते हैं इस प्रकार से, और चुंबक में जानते हैं कि एक दो ठो आपका ध्रुव होता है। एक ध्रुव हमारा नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो यहाँ हम नॉर्थ मान लेते हैं और यहाँ हम साउथ मान लेते हैं, और दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसके केंद्र को हम लोग क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र को ओ से लिखा जाता है। अब देखिए, चुंबक की निरक्षीय स्थिति क्या होता है? तो जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान, जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान चुंबक के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, चुंबक के केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, चाहे यहाँ ज्ञात करें, चाहे यहाँ ज्ञात करें, चाहे यहाँ ज्ञात करें, तो यह आपका चुंबक की निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान परिभाषा है। चुंबक के या किसी चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत हो, केंद्र से लंबवत जाने वाली रेखा, केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा या जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग चुंबक की निरक्षीय स्थिति कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अक्ष के लंबवत होना चाहिए, लेकिन वो लाइन केंद्र से होकर के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कोई लाइन यदि गुजरेगा तो अक्ष पर लंब होगा, यहाँ से भी लाइन गुजरेगा तो वो भी आपके अक्ष के लंबवत होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जब हम लोग चुंबक के अक्ष के लंबवत इसकी केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करते हैं तो वही कहलाता है चुंबक की निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग बिंदु इसी लाइन पर लेना है, चाहे ऊपर कहीं ले लीजिए और चाहे नीचे कहीं ले लीजिए, लेकिन जब लीजिए इसी लाइन पर लीजिए। तब देखिए, हम लोग का इसमें आज पहला टॉपिक इसमें का है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है, जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक पढ़े थे, दम सेम वैसे ही होता है। तो एक बार ओकरा जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आप वही पढ़े थे। इसके लिए सबसे पहले हम खूब सुंदर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एगो चुंबक बनाते हैं, ठीक ना। और इस चुंबक में हमको दो ठो ध्रुव लेना है, कौन कौन? एगो साउथ और एक ठो हमको नॉर्थ। यहाँ साउथ लिख देते हैं और यहाँ हम लोग नॉर्थ लिख देते हैं, ठीक। इसके ध्रुव के प्रबलता को हम लोग माइनस पी से लिखते हैं, इसके ध्रुव की प्रबलता को माइनस पी से लिखेंगे। चलिए यहीं लिख देते हैं माइनस पी, और इसके ध्रुव की प्रबलता को हम लिखते हैं प्लस पी लिखते हैं, ठीक। और इसका केंद्र हमारा हो गया ओ, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमारी होती है 2L होता है, और ई वाला हमारा एल होता है, और ये भी हमारा एल होता है। हमको निरक्षीय स्थिति में निकालना है तो इसके केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक हम लाइन खींचेंगे, और इसके ध्रुव से हम लोग इस बिंदु क्या कर देंगे? मिला देंगे। यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिला देंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर केंद्र ओ और बिंदु ए यहाँ पर ही है, तो इसके बीच के दूरी को हम मान लेते हैं कि आर है। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे हाई वाला दूरी हमार एल है, ई वाला दूरी आर है, तो हाई वाला कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ देखिए, ई वाला एल है, हाई वाला आर है, तो ई वाला हमार कितना हो जाएगा? ए वाला हमार हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र जाता है और साउथ पर चुंबकीय क्षेत्र आता है, दक्षिणी ध्रुव पर आता है और हमारा नॉर्थ से जाता है। तो इसके लिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए नॉर्थ से जाने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम मान लेते हैं वेक्टर B1 मान लेते हैं, और इस पर जो आने वाली चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम लोग वेक्टर B2 मान लेते हैं, साउथ पर जो आएगी इसको B2 मान लेते हैं, नॉर्थ से जो आ रहा है उसको B1 मान लेते हैं। अब बिंदु A यहाँ पर ही जो हमारा है तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र B1 आपका ऐसे जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक ना। और B2 हमारा, ये हमारा कौन है भाई, यहाँ ये हमारा B1 है, ठीक ना, ये हमारा कौन है B1 है, और ये देखिए B2 हमारा ऐसे आ रहा है। और देखिए जब भी किसी एक बिंदु पर दो वेक्टर मिलते हैं ना तो उसका एक रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है। तो देखिए ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है, और दोनों के बीच में हमारा रिजल्टेंट होता है यहाँ पर ये B आपका होता है, यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र B होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम एक ऐसी लंब खींच देते हैं, इधर नाम दे देते हैं R, ठीक ना, यहाँ नाम दे दिए R। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ वाला कोण हम मान लेते हैं कि B1 और B के बीच का कोण थीटा है, और देखिए B2 और B के बीच का हमारा कोण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा यहू कोण थीटा है, ठीक। डायग्राम हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हम कोण मान लेते हैं कि थीटा है और यहाँ पर हम कोण मान लेते हैं कि थीटा है। अब जाके मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कुछ बाकी है। देखिए आप लोग वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़े होंगे कि जब भी कोई वेक्टर कहीं पर ही कोण बनाता है तो दो घटक में टूट जाता है, इसको पहले आप इधर समझिए, उसके बाद हम लोग अपना फिगर में आएंगे। यह समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ई है एक्स अक्ष और ई वाला है वाई अक्ष, और इसमें हमारा कोई एक वेक्टर यहाँ पर ए है, और वेक्टर ए जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो चूंकि कोण किसके साथ बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ, तो एक्स अक्ष पर इसका एक घटक होगा ए कोस थीटा और एक घटक होगा हमारा ए साइन थीटा। लेकिन कौन सा घटक कोस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा, ये कैसे पता चलता है, तो जिसके साथ कोण बनाएगा उसके साथ कोस थीटा लिखिएगा और दूसर का तरफ साइन थीटा। जैसे देखिए वेक्टर ए हमारा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाया, तो इस पर जो घटक होगा वो ए कोस थीटा होगा और दूसर का तरफ ए साइन थीटा होगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। इसको एक और समझिए आप, मान लीजिए कि कोई वेक्टर इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमारा, जैसे यहाँ पर हम लाइन खींच दिए इसे और एक लाइन खींच दिए यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई हमारा वेक्टर है, यहाँ पर कोई हमारा एगो वेक्टर है, मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर ए ही है, और ई जो है कोण मान लेते हैं कि इसके साथ कोण बना रहा है थीटा, इसके साथ हमारा कोण क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक ना। तो इसके साथ हमारा कोण थीटा बना रहा है, क्योंकि इसमें डायग्राम में लगता है कि कुछ इसमें त्रुटि हो गई है, इसमें हमारा त्रुटि हो गया डायग्राम में। चलिए मान लेते हैं हम कि इसके साथ देखिए कोण बना रहा है, मान चलिए इसके साथ मान लेते हैं कि इसके साथ कोण बना रहा है, तो वेक्टर ए जो है देखिए ई अक्ष के साथ कोण बना रहा है, तो जिन्हें कोणवा बनाएगा उधर कोस थीटा होता है, ई पर होगा ए कोस थीटा, और जो दूसर का तरफ है उधर हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा होगा। तो ई आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर जिस अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसके साथ है कोस थीटा, दूसरा तरफ साइन थीटा। चलिए डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद मालूम है ना कि हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, बिना लैंग्वेज लिखले अपने नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है कि माना कि NS एक चुंबक है, माना कि NS एक चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L है, तथा इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये हर में लिखा जाता है, ठीक ना, इसलिए याद हो गया होगा आपको, इसको बार बार लिखते लिखते। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण हम लोग बिंदु
ए पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्तरी ध्रुव और बिंदु ए के बीच की दूरी देखिए कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखेंगे हम लोग बालक, बी वन बराबर म्यू नोट बटा में फोर पाई और हमारा पी और बटा में देखिए अंडर रूट है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बी वन बराबर हो जाएगा म्यू नोट बटा फोर पाई और ये हमारा पी और डिवाइडेड बाय देखिए रूट का स्क्वायर होगा तो हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण एक मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव और बिंदु ए के बीच की दूरी हमारा वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसके कारण बी टू बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नोट बटा में फोर पाई और ये हमारा पी और बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर होगा रूट का तो रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बी टू बराबर हमारा क्या हो गया, म्यू नोट बटा में फोर पाई और ये हमारा पी और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण नंबर दू। अब देखिए यहाँ पर समीकरण एक और दू में आपको क्या समानता दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि सर दोनों के आरजेस बराबर है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों का आरजेस बराबर है। तो अब हम लोग समीकरण एक और दू से करेंगे तो दोनों का आरजेस तो बराबर है तो दोनों का हम लोग एल एच एस बराबर कर देंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक एवं दो से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बालक, समीकरण एक एवं दो से। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण एक एवं दो से, ठीक है। समीकरण एक एवं दो से, ठीक। तो एक एवं दो से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वन बराबर बी टू हो जाएगा। बी वन बराबर बी टू, इस लाइन को अब याद रखिए कि बी वन का मान किसके बराबर हो गया है, बी टू के बराबर हो गया है। अब देखिए हम लोग का मेन काम शुरू होता है, मेन काम देखिए यहाँ पर ही शुरू होगा। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम जो है ना, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी वन जो है बी के साथ कोण बना रहा है थीटा। तो बी वन का दो गो घटक होगा कहाँ पर ही, बिंदु ए पर। देखिए ठीक इसी प्रकार से जैसे हम अभी वेक्टर उधर बनाए थे तो बी वन जो है इसके साथ कोण बना रहा है बी के साथ है। तो एकरा पर एगो घटक होगा इसका, इस पर इसका एगो घटक होगा कौन, बी वन कोस थीटा होगा, बी वन कोस थीटा होगा। लेकिन जो बी वन का दूसरा घटक होगा इधर होगा, इसका मान कितना होगा, बी वन साइन थीटा होगा। ये समझ गए, बिंदु ए पर बी वन का दो घटक होगा, एक बी वन कोस थीटा जो ऐसे होगा और दूसरा उसके अपोजिट होगा बी वन साइन थीटा। ये तो समझ गए वेक्टर के नियम से। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र बी टू है तो चुंबकीय क्षेत्र बी टू भी किसके साथ कोण बना रहा है, बी के साथ कोण बना रहा है थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो बी टू आपका है यह भी दो घटक में बटेगा बिंदु ए पर, आ कौन कौन में, तो चूंकि इसके साथ कोण बना रहा है तो इधर होगा आपका बी टू कोस थीटा होगा, इधर में आपका बी टू कोस थीटा होगा और इधर हमारा ऊर्ध्वाधर में कौन होगा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमारा होगा बी टू साइन थीटा होगा। नीचे की ओर कौन होगा, बी टू साइन थीटा होगा। यही समझिएगा ये मेन खेला है, ठीक ना। अब देखिए इस लाइन पर हमारा दो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, कौन कौन, एगो बी वन कोस थीटा आ एगो बी टू कोस थीटा। लेकिन देखिए पॉइंट ए पर, देखिए पॉइंट ए पर बी वन साइन थीटा ऊपर की ओर है आ बी टू साइन थीटा नीचे की ओर है। आ अभी हम लोग पढ़े हैं कि बी वन बराबर क्या है, बी टू है। तो ये जो बी टू साइन थीटा है इसको हम लोग बी वन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि b1 का मान b2 के बराबर सिद्ध हो चुका है, तो इसलिए b2 के जगह हम b1 sin साइन थीटा लिख देंगे। अब देखिए बिंदु a पर b1 sin साइन थीटा ऊपर की ओर आ बिंदु a पर b1 sin साइन थीटा नीचे की ओर है कि नहीं। तो जब दो वेक्टर जो परिमाण में बराबर हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हो तो दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देता है,
जैसे इधर से वो लड़की आई, इधर से वो लड़का आया, ठीक, दोनों की उम्र 24-24 साल है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं आया, तो दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देगा। लड़की कह देगी हमारा लड़का पसंद नहीं है, और लड़का कह देगा हमारा लड़की पसंद नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन कब, जब दोनों समान परिमाण के होगा तब। तो देखिए बिंदु ए पर B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, B2 साइन थीटा यानी कि B1 साइन थीटा एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बिंदु ए पर दो गो चुंबकीय क्षेत्र का घटक बचा, एगो B1 कोस थीटा और एगो B2 कोस थीटा, लेकिन दोनों के दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही लाइन पर है। तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, और जब दो वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो उसका रिजल्टेंट आपका होता है R = a + b होता है। उसका रिजल्टेंट क्या होता है बालक, R = a + b होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो हमारा B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा था वो तो एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है, तो अब हमारा बिंदु ए पर केवल दो को चुंबकीय क्षेत्र बचा हुआ है, एगो B1 कोस थीटा एगो B2 कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है, तो जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट होता है R = a + b होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, a + b होता है। फॉर्मूला वही होता है R = √a² + b² 2ab cos थीटा, लेकिन जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो R = a + b होता है। तो देखिए यहाँ पर B1 cos थीटा B2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री है, तो इसके लिए जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो बी का मान आएगा, बी का मान कितना होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा हमारा B = b1 cos थीटा और प्लस हमारा b2 cos थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर कहता है कि किसी भी बिंदु पर जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट R = a + b होता है, और b1 cos थीटा b2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसीलिए b = b1 cos थीटा + b2 cos थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि b1 और b2 दोनों बराबर होता है, तो b2 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, b1 लिख देंगे, तो b2 के जगह यहाँ b1 लिख देते हैं, तो ये हमारा b1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा b = हो जाएगा 2b1 cos थीटा हो जाएगा दोनों जुट करके। अब यहाँ पर हम मज़ा आएगा, असली मज़ा यहीं पर है, ठीक ना। अब देखिए इसका मान रखिए, 2b1 का मान हम लोग कितना निकाले थे, μ0/4π और p/r² + l² निकाले हुए कि नहीं, b1 और b2 का मान इतने निकाले थे। अब देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा था यहाँ पर, ई वाला कोण थीटा है, तो थीटा जो कोण है उसके सामने वाला तो लंब होता है, और यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है, तो ई थीटा के सामने वाला ई आर हो गया लंब, आ 90 डिग्री के सामने ये वाला हो गया कर्ण, तो इसमें आधार कौन बचा, एल बचा। हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है आधार/कर्ण, तो इसमें आधार कौन है, एल आपका आधार है और हाई वाला आपका कर्ण है, तो कोस थीटा के मान हम लोग कितना लिखेंगे, एल और बटा में √r² + l², ई एल आपको समझ में आया, कोस थीटा का मान कैसे लिखाया, कोण के सामने वाला 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो बच गया ये आधार, तो कोस थीटा बराबर आधार/कर्ण, आधार के रूप में एल, कर्ण के रूप में इतना, तो कोस थीटा का मान लिखा गया। अब समझ में आया ना, अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे है इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे हम लोग B = μ0/4π, ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ P है और यहाँ L है, तो हम इसको लिख रहे हैं P, और हाई वाला 2 को हम हेजा ले आते हैं, तो हो जाएगा 2L, और देखिए यहाँ पर हमारा है R² + l² 1 है, हाई हमारा रूट में है, तो रूट का मतलब क्या होता है बालक, कि 1/2, तो R² + l² 1/2 है हमारा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एथी होता है ना P × 2L,
तब पी गुना 12 का मान हमारा एम होता है, और यहाँ देखिए पावर में 1 है और यहाँ 1/2 है, तब दोनों का देखिए बेस एक ही है, दोनों का बेस एक ही है लेकिन पावर अलग अलग है, तो 1 + 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पावर में आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जब पावर वहाँ पर हमारा 3/2 हो गया तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, m के मान हमारा हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है p गुना 12 होता है, तो इसीलिए हम लोग p गुना 12 की जगह m लिख दिए। इसके बाद इसमें एक लाइन लिखा जाता है कि यदि यदि r बहुत बहुत बड़ा हो l से, तो r के तुलना में एल लगभग नगण्य होता है। एल क्या होता है बालक, लगभग नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, यानी कि नेग्लिजेबल होता है। आर क्या होता है, एल के कंपेयर में नेग्लिजेबल होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एल जो है बहुत छोटा दूरी है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बहुत छोटा दूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू नोट बटा 4π, और यहाँ पर देखिए एम और बटा में हमारा आर स्क्वायर, और ये हमारा 0 के स्क्वायर और पावर में हमारा 3/2 है, ठीक है। यहाँ तक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी बराबर म्यू नोट बटा में 4π, और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा एम, और देखिए आर स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। तो आर के पावर में सबसे अच्छा ऐसे लिख दीजिए, ई जो स्क्वायर है ना, तो इसको 2, अब पहले से हमारे पावर में कितना है, 3/2 है, तो देखिए ई वाला 2 से ई वाला 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट और बटा में हमारा 4π, और देखिए एम, और देखिए आर क्यू ही हमारा हो जाएगा, आर क्यू हो गया। यही हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया। निरक्षीय स्थिति में हम चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक निकाल लिए। इसको चाहेंगे तो आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि यह सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट बटा में हमारा 4π, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेक्टर एम और बटा में आर क्यू होता है। ऐसा हम लोग फार्मूला पहले भी निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र कारण, तो वहाँ हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर 1/4π ε₀, और हम बताए थे कि P/RQ होता है। यदि नहीं याद है तो एक बार लेसन 3 में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर ये फार्मूला हम प्रूफ किए हुए विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो हमारा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद हमारा क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का व्यंजक निकालना है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का व्यंजक कितना होता है। आपको भी मालूम है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का मान 0 आता है, क्योंकि हम विद्युत विभव प्रूफ कर चुके हैं निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए निकालते हैं, फिर भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे 0 आता है। हालांकि तो आपको तो मालूम है ये है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चुंबक बनाइए, और इस चुंबक में क्या कीजिए कि एगो लिख दीजिए या साउथ है, और एगो यहाँ लिख दीजिए आप नॉर्थ लिख दीजिए, और इसके ध्रुव को मान लीजिए -P, और एक मान लीजिए +P मान लीजिए, और इसका केंद्र हम लोग O ले लेते हैं, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 होता है, और E वाला हमारा लंबाई L हो जाएगा, E वाला L हो जाएगा। यहाँ से R दूरी पर एगो हम बिंदु ले लेते हैं, बिंदु का नाम A रख देते हैं, और या इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिए, तो EL ER, तो ई वाला हमारा हो जाएगा √R² + L² हो जाएगा, और ई वाला हमारा हो जाएगा √R² + L² हो जाएगा। डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब डायग्राम में कुछ मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, तो माना कि NS एक चुंबक है, जिसकी ध्रुव की शक्ति +P है और -P है, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 12 है, तथा इसकी केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु A है, जहां हमको चुंबकीय विभव का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु A पर चुंबकीय विभव निकालते हैं, एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा।
तो इसके बाद हम लिखते हैं कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय विभव, तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय विभव भी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई, और ये हमारा हो जाएगा प्लस पी और बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसमें रूट का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि विभव में केवल दूरी होता है, दूरी का स्क्वायर नहीं होता है, और नॉर्थ से बिंदु ए के बीच की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय विभव लिखते हैं वी टू बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ये हमारा माइनस पी और बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों के कारण हम विभव निकाल लिए, अब क्या करेंगे दोनों के विभव को जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु ए पर कुल विभव निकल जाएगा। तब लिखते हैं हम लोग कि बिंदु ए पर कुल चुंबकीय विभव, तो बिंदु ए पर कुल चुंबकीय विभव क्या होता है बालक, वी बराबर हमारा होता है वी वन प्लस में वी टू होता है। अब वी वन का मान हमारा कितना है, वी वन का मान है म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ये हमारा प्लस पी और बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर हमारा है म्यू नोट बटा में 4 पाई, और हमारा यहाँ पर माइनस पी और बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ जो माइनस है ना वो यहाँ आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा म्यू नोट बटा में 4 पाई, और ये हमारा देखिए प्लस पी है तो प्लस पी ही लिखाएगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, और ये हमारा पी बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जितना ई वाला प्लस में है उतना ही ई वाला माइनस में है, तो ई वाला से ई वाला कैंसिल, तो चुंबकीय विभव का मान कितना हो गया, 0 हो गया। हम आपको पहले ही बोले थे कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का मान 0 होता है, यहाँ तक कि निरक्षीय स्थिति में ये जो लाइन जो है ना आपका, जो आपका केंद्र से गुजर रहा है, ये जो लाइन है यहाँ से केंद्र से गुजरता है, इसके किसी भी बिंदु पर निकाल लीजिए, आप कहीं भी बिंदु ले लीजिए, परदम ऊपर चाहे नीचे, यहाँ भी बिंदु लीजिएगा तो विभव 0 हो जाएगा, यहाँ भी बिंदु लीजिएगा केंद्र पर भी बिंदु लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यदि बिंदु लीजिएगा तो दूरिया एल हो जाएगा, और इधरों से दूरिया एल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आप लिए थे तो रूट एंड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ आप जब लीजिएगा बिंदु तो यहाँ भी चुंबकीय विभव का मान 0 ही आएगा। तो ये बात याद कर लीजिए कि निरक्षीय स्थिति में उसके केंद्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो रेखा है इसके हर एक पॉइंट पर चुंबकीय विभव का मान 0 होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, पचनमरिया में नहीं आता है, लेकिन हम आपको प्रूफ कर दिए हैं कि बाय द वे कभी पचनमरिया में भी आए तो आप गर्दा छुड़ा दें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालको।